जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर खंड विकास के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों के निर्देश पर लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकपाल रफीकुद्दीन मलिक की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। ये ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हो या विकास कार्य, सब कार्य में भ्रष्टाचार की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए हैं कि मनरेगा योजना के तहत कागजों में सफाई कार्य पूरा कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो वहीं जिस प्रकार ग्राम प्रधान, पति, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत मीडिया के आने की सूचना पर पंचायत छोड़कर बैठक में उपस्थित ग्रामीणों पर आग बबूला होकर चलते पड़े, जिस पर ग्रामीणों ने लोकपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप शिपा। लोकपाल, माननीय लोकपाल जी का दौरा था और सभी गांव की एक शिकायत थी, कुछ जैसे नहर से संबंधित थी, उसमें कार्य दिखाया गया था, वो सफाई नहीं हो पाई थी। तो उसमें लोकपाल जी ने अपनी जांच करी है। एक तालाब का मैटर था, उसमें भी लोकपाल जी ने अपनी इंक्वायरी करी है। एक नाले से संबंधित मामला था, तो इन जाँचों में वो उन्होंने अपनी जांच करी है, उसकी वो रिपोर्ट जैसी है वो देंगे। वर्तमान प्रधान है ना, कुछ पक्षपात की नीति अपना रहा, तो कुछ अपने ही लोगों को काम देता है, वो बाकी को नेगलेक्ट करने की सोचता है। इसके लिए भी हमने वीडियो विकास खंड जसपुर को हमने लिखा है उसमें। यहाँ जसपुर ब्लॉक में दो जगह से शिकायतें आई थी, एक जगतपुर पट्टी और एक सूरजपुर से। इन दोनों की जगह इंक्वायरी मैंने जाकर खुद की। वो भ्रष्टाचार का मामले उठा रहे हैं लोग, लेकिन सबूत कोई पक्के नहीं दे पा रहा है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि ग्रामवासियों को कितना काम दिया गया एक वर्ष में, लेकिन मैंने गांव वालों को बताया है कि अब आप नहीं है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको, आप पीजीओ को लिख कर दें, प्रधान को लिख कर दें आप, और कि हमें काम नहीं मिल रहा है तो उसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।